सब्सक्राइब कीजिए अर्न विद आरके चैनल को, बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में जानने के लिए। सर सर गजब हो गया। क्या हो गया सर? बिटकॉइन रखने वालों को जेल। जेल? हाँ सर। तूने तुझे कहाँ से पता चला? सर आज की न्यूज़पेपर में है। कौन से अखबार में है? द हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में? हाँ सर। क्या आया है? सर बिटकॉइन रखने वालों को 7 साल की जेल। ओ हो, दिखा मुझे अखबार, दिखा। जी सर, ये देखो सर। बाप रे, ओ हो, ये तो बहुत खतरनाक चीज है यार। बिटकॉइन रखने वालों को जेल 7 साल की। 7 साल हिंदुस्तान में? यस सर। दोस्तों ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत मुश्किल आ गई है सभी लोगों के लिए। अखबार में निकल गया हिंदुस्तान में कि जो बिटकॉइन में निवेश करेगा उसको 7 साल की जेल हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अर्न विद आरके में स्वागत है। और दोस्तों ये नाटक मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि लोग बाग इतने पैनिक में आ जाते हैं जब कोई खबर सुनते हैं या जब कोई इस तरीके की मीडिया में, टीवी पर, टेलीविजन पर कोई खबर आती है कि ये हो रहा है बिटकॉइन के साथ, ये हो रहा है बिटकॉइन के साथ, ये हो रहा है। तो दोस्तों आज इस पैनिक को आपको दिमाग से निकालने के लिए ये मैं वीडियो बनाया और छोटी सी मैंने एक नाटक बनाया था जो आप लोगों को समझ में आए कि कैसा पैनिक होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूं कि इस जो न्यूज निकली है हिंदुस्तान में, इस न्यूज के पीछे क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। और बहुत सारे तो मेरे दोस्त जो हैं वो समझदार भी होंगे और वो जानते होंगे कि मीडिया जो है वो कैसे बात का बतंगड़ बनाता है। तो दोस्तों मैं उस खबर पे लेके चलता हूं आपको और वो क्लिप दिखाता हूं जो न्यूज़पेपर में आई है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। आइए चलते। दोस्तों जैसे आप देख रहे होंगे अपनी न्यूज में कि क्या लिखा है, बिटकॉइन में निवेश पर 7 साल तक सजा संभव। और ये जैसे ही अखबारों में आया और वैसे ही पैनिक फैल गया। जितनी भी बिटकॉइन की कम्युनिटी है हमारे देश में, वो सारे लोग पागल हो गए, मुझे मैसेज कर रहे हैं और मुझे फोन कर रहे हैं। तो मैं ये खबर पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्रा में निवेश करने वाले सावधान हो जाएं, केंद्र सरकार आभासी मुद्रा के खिलाफ धन संशोधन कानून के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रही है जिसमें 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा आम बजट में आभासी मुद्रा को गैर कानूनी बताए जाने के बाद वित्त मंत्रालय ने ये सक्रियता दिखाई है। वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि इथेरियम, रिपल, बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्रा को लेकर पहले यह स्पष्ट नहीं था कि किस कानून के तहत कार्रवाई हो, लेकिन इसके गैर कानूनी घोषित होने के साथ सरकार ने इसे धन संशोधन कानून के दायरे में लाने की सिद्धांतिक सहमति दे दी है। कुछ संशोधन वित्त विधेयक में शामिल किए गए हैं जिसमें आवासीय मुद्रा से की गई कमाई देश के बाहर छिपाने पर मुकदमा चलेगा, जिसमें आवासीय मुद्रा से की गई कमाई देश के बाहर छुपाने पर मुकदमा चलेगा। सुन लो ध्यान से जो इसमें लिखा है, मुकदमा चलने का प्रावधान है। इस कानून में 3 से 7 साल की जुर्माने का भी प्रावधान है। मतलब अगर आप अपनी करेंसी छुपाते हो और देश से बाहर ले जाते हो अपने ब्लैक मनी को बिटकॉइन के रूप में, तो समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ध्यान से इस चीज को पढ़ें, इस खबर को, और अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दें क्योंकि जो अखबारों में आती है हेडिंग जो है वो इसलिए बना दिया है जिससे आग लगे और आप इसको पढ़ें। आगे मैं पढ़ता हूं क्या लिखते हैं ये। जवाबदेही खत्म। अधिकारियों के मुताबिक आभासी मुद्रा को गैर कानूनी घोषित करने में इसमें निवेश करने वालों के प्रति सरकार की जवाबदेही हर तरह से खत्म हो गई है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है जो गवर्नमेंट कह रही है। इसका मतलब क्या है? जवाबदेही खत्म हो गई है। अगर आपको नुकसान होता है, आपको फायदा होता है, आपका कोई स्कैम होता है, आपके बिटकॉइन या इथेरियम कोई लूट लेता है, कोई हैक कर लेता है, तो गवर्नमेंट की उसमें जिम्मेवारी नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? ये तो पहले भी था क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी है, इसमें ना तो मेरी जिम्मेवारी है ना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है क्योंकि ये गवर्नमेंट इसको नहीं चला रही और गवर्नमेंट के कंट्रोल से ये बाहर है।
तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, तो उन्होंने अभी साफ कर दिया ये इसमें जो न्यूज आ रही है। वहीं आवासीय मुद्रा को गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद बिटकॉइन की कीमतों में भारी कमी आई है। ये तो आपको पता ही होगा कि 8000 से डाउन चला गया था, 8000 के आसपास आ गया था, और 18 दिसंबर को ये आवासीय मुद्रा की कीमत $19,511 थी, जो 3 फरवरी को 8496 डॉलर रह गई थी। अब देखिए कि नोटबंदी के बाद चलन बढ़ा, वो ठीक है, नोटबंदी जब हुई थी लोगों ने बिटकॉइन बहुत खरीदे जिनके पास ब्लैक मनी था। और दूसरा ये है कि विज्ञापन पर पाबंदी लगाई, सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और इंस्टाग्राम ने आवासीय मुद्रा के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने इसलिए लगाया है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे स्कैमर अपने अपने विज्ञापन लेकर आ रहे थे, जिसमें फंसकर लोग जो थे वो अपना पैसा बर्बाद कर रहे थे, अपना पैसा जा रहा था। तो फेसबुक ने और इंस्टाग्राम ने अभी ये थोड़ी सी प्रिकॉशन ली है कि किसी तरीके के जो स्कैम के आईसीओ है या कोई भी चीज़ है उनको वो आगे एंटरटेन नहीं करेगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें, इसमें और लिखा है लाखों लोगों को नोटिस जारी किया बिटकॉइन के निवेशक, लाखों लोगों को, जो आपको पहले ही पता है कि इनकम टैक्स वालों ने अपना टैक्स के लिए काफ़ी सारे लोगों को 5 लाख लोगों को करीब नोटिस भेजा था। ये बहुत पुरानी न्यूज़ है जो उन्होंने अभी इसमें डाली है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये नोटिस कोई वो नहीं है कि आपको पकड़ने के लिए आपके वारंट जारी कर दिए गवर्नमेंट ने, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं, ये मतलब फालतू में आग लगाने की चीज़ है। दूसरी बात बोलता हूँ, 10% हिस्सा भारत का दुनिया में होने वाली आवासीय मुद्रा के लेन देन में। हाँ, ये कहते हैं कि 10% जो है वो इंडिया अभी बिटकॉइन में और इथेरियम में लेन देन कर रही है, तो ये हो सकता है 10% हो या इससे थोड़ा बहुत कम हो, मुझे नहीं लगता 10% होगा अभी, लेकिन हाँ हो भी सकता है 7-8% तो इंडिया में अभी लोग जो है वो मतलब टोटल जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें वो भाग ले रहे हैं। अगली इन्होंने लिखी है 4 साल की सजा बिटकॉइन के लेन देन पर रूस में दक्षिण कोरिया में सख्ती। देखो ये जो इन्होंने लिखा है 4 साल की सजा बिटकॉइन के लेन देन पर रूस में और दक्षिण कोरिया में सख्ती, इन्होंने आगे कुछ नहीं लिखा। और मैं आपको बताऊं कि ये 4 साल की सजा अगर आप जेन्युइन तरीके से लीगल तरीके से लेन देन करते हैं तो कोई भी सजा नहीं है। तो वो चीज़ हिंदुस्तान में भी है कि अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, आप कैश में सेल परचेज करते हैं, तो वो एक तरीके से गलत है गवर्नमेंट की नज़र में, और रूल्स भी नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। आप अगर मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें फंसते हैं, इसका मतलब आप कैश में सेल परचेज कर रहे हैं। और दूसरा, अगर आप जेपे के थ्रू या किसी एक्सचेंज के थ्रू करते हैं तो नंबर एक में है वो आपका पैसा आ रहा है। और यार ये लोग जो छाप रहे हैं खबर, इन्होंने ये ना सोचा कि ये अगर इस तरीके की बात है तो सबसे पहले गवर्नमेंट को जेपे को, यूनिकॉइन को और तमाम जितने भी एक्सचेंज चल रहे हैं उनको बंद करना चाहिए, वो तो बंद किए नहीं है, और सीधा लोगों को पकड़ना शुरू कर देगा। तो ये बहुत बेवकूफ़ बनाने वाली खबरें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप लीगल तरीके से काम कर रहे हैं जेपे पर या यूनिकॉइन पर या कॉइन सिक्योर पर जितने भी एक्सचेंज हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ इन्होंने लिखा है कि 12 वर्ष जेल बांग्लादेश में आवासीय मुद्रा के लेन देन पर। देखो बांग्लादेश का सिनेरियो अलग है, बांग्लादेश और नेपाल का वहाँ अलग कानून है, वहाँ वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है अभी वहाँ की गवर्नमेंट, आगे आने वाले टाइम में वहाँ की गवर्नमेंट भी तैयार होंगी। दूसरा इन्होंने लिखा है चीन, स्वीडन, थाईलैंड और वियतनाम में प्रतिबंध। ये क्या प्रतिबंध है ये नहीं लिखा, चीन के लोग अभी भी बिटकॉइन में बहुत काम कर रहे हैं और थाईलैंड के लोग भी बिटकॉइन में बहुत काम कर रहे हैं और वियतनाम में भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ सपोर्ट नहीं करती, गवर्नमेंट ने मना कर दिया है उस चीज़ के लिए, तो वियतनाम में नहीं है, ये मैंने आपको अपनी न्यूज़ में भी बताया। तो प्रतिबंध है बिल्कुल ठीक है ये है, लेकिन लोग फिर भी काम कर रहे हैं वहाँ, हांगकांग चाइना के लोग, हांगकांग बहुत पास में है, नज़दीक है, हांगकांग जाकर वहाँ वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी एजेंसी के खिलाफ नोटिस, क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ नोटिस। अब वो नोटिस क्यों दिया गया ये इन्होंने नहीं लिखा, बस केवल एक डर फैलाना है कि मतलब ऐसे पॉइंट लो नेगेटिव कि लोगों के अंदर डर फैल जाए। ये नहीं लिखा कि वो नोटिस क्यों दिया गया, किस एजेंसी के खिलाफ दिया गया, क्यों नहीं लिखा भाई, मैं भी ऐसे कुछ भी बना के लिख दूं एक डर फैलाने के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आगे से, कोई कुछ डरने की जरूरत नहीं है, चाहे अखबारों में कुछ आए, चाहे टीवी न्यूज़ पर कैसा भी आए उल्टा सीधा, क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अक्ल नहीं है। जो लोग ये खबर बोल रहे हैं उन्होंने कोई स्टडी नहीं किया, इधर उधर की खबरें आती हैं,
अपना कुछ भी मिर्च मसाला बनाकर ये इसमें छाप देते हैं और कुछ भी टीवी पर या उस पर बोलने लगते हैं। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार कहता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, बिटकॉइन का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक देश की करेंसी नहीं है, इंटरनेशनल करेंसी है और इसको एक कम्युनिटी चला रही है, कोई गवर्नमेंट नहीं चला रही है। दोस्तों देखते रहिएगा मेरा चैनल अर्न विद आरके, आगे कोई भी चैनल आपका, कोई भी एपिसोड मेरा मिस नहीं होना चाहिए आपसे। इस साइड में सब्सक्राइबर का बटन है, उसको दबा लीजिए, घंटी का बटन दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे टाइम टू टाइम। और काफी लंबा वीडियो होगा, अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए ताजे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।